नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन सिंह और आज मैं यहाँ पे आपको श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक 13, 14 और 15 वाला सुनाने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। देहिनोनिष्म यथा देहे कुमारम यौवने मनम जरा तथा देहांत प्रपाप परिदृष्टरम न मुख्याग्ति। हे जीवास्मति जीवात्मिक, इस दोह में बालकपन जवानी और वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। पूर्व श्लोकों में भगवान की आत्मा नित्यात और निर्विकार प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधवादि के साथ होने वाले संयोग वियोगादिशी सुख दुख आदि प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतीव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है। इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोगादि को अनित्य बतलाकर उनके सहन करने की आज्ञा देते हैं। मात्या स्पाशतु कौन्तये शीतोर सुखद सुखद अगमापायुनो अनित्यास्तरिचित स्वच्छ भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्र ये और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाश वाली और विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यम ही न व्यस्थने पुरुषम पुरुष सर्भ शम दुख सुखम धीरम शो अमृतवाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख में समान समझने वाले जिस धीर पुरुष के को ये इंद्र और विषयों को संयोग व्याकुल करने नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य नहीं होते।